अधिगम, ठीक है। लर्निंग में कल हमने दो बातें सीखी थी, एक तो मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम का अर्थ क्या होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। खाली व्यवहार में परिवर्तन ध्यान रखने से गलत भी हो जाता है, क्लियर। व्यवहार में कैसा परिवर्तन आएगा, स्थायी आएगा, तो ही लर्निंग माना जाएगा, क्लियर। उसके बाद मैंने लर्निंग की विशेषताएं बताई, मैंने कहा विशेषताओं के कैसे क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता बोलो लर्निंग के लिए सही नहीं है या कौन सी सही है, तो आपको चार ऑप्शन पढ़ने हैं, और आपको जो मैंने 10-12 विशेषताएं बताई वो आपको समझी भी होनी चाहिए कि जो अधिगम होता है वो वातावरण जन्य प्रक्रिया है, जो लर्निंग होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो अधिगम होता है वो समायोजन में सहायक है, अधिगम जो होता है वो हमें एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति ले जाने में सहायक है, बोलो जो अधिगम होता है वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, जो अधिगम होता है वो उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित होता है, ऐसा मैस्लो ने कहा है, बात समझो ना। अधिगम व्यक्तिगत सामाजिक होता है, अधिगम बोलो में ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक सभी पक्ष होते हैं, बोलो ऐसे करके अधिगम का क्षेत्र विस्तृत होता है, अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है, बिना परिपक्वता के परीक्षण बेकार है, बोलो ऐसा करके मैंने सारी बातें बताई है, क्लियर। वो जस्ट इंट्रोडक्शन था, बात समझ ना। अब आज हम क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, हर एक टॉपिक की अपनी परिभाषा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा अधिगम, अधिगम की परिभाषा है, ठीक है। तो आपको मैं पहले सारी परिभाषाएं लिख रहा हूं, फिर यहीं पे याद करवाऊंगा मैं आपको, क्लियर। पर परिभाषाओं को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें क्यों याद रहती है, क्योंकि हम बोलो सालों से पढ़ा रहे हैं, बात समझ ना, तो वो एक बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। अब आपको तो 4-6 महीने पढ़ के एग्जाम देना, तो आपको क्या है, याद नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में टिक करने का तरीका सीखना है, तो आके यहाँ स्ट्रेस भी नहीं हो और अपना एग्जाम में राइट भी हो जाए, बात समझ ना, क्योंकि याद करोगे तो भूल जाओगे। देखो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, जितनी भी जिसने परिभाषाएं दी है वो सारी परिभाषा लिख रहा हूँ, फिर अपना स्टाइल फिक्स है कि हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड होगा, उसी कोड वर्ड से मैं याद करवाता हूँ, जैसे मैंने लिखा स्किनर के अनुसार, क्लियर। किसके अनुसार बोलो, स्किनर, स्किनर ने क्या कहा है कि बोलो अधिकम, ठीक है, अधिकम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, क्लियर बोलो, की प्रक्रिया है, ठीक है। एक शब्द एक लाइन ना मैं नया कर सकता हूं, ना मैं छोड़ सकता हूं, ना ही एग्जामिनर को चेंज कर सकता है, डिटो लाइन ऐसी ही आएगी कि व्यवहार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी है, नाम होंगे बोलो, वुडवर्थ होंगे, गिलफोर्ड होंगे, स्किनर होंगे, और बोलो मनोवैज्ञानिक ही होंगे ना, तो जिस जिसने मनोज्ञा इस अधिगम की परिभाषा है दी है, पहले मैं लिख रहा हूं फिर मैं अभी याद करवाऊंगा, क्लियर। फिर मैंने कहा गिलफर्ड, नाम तो सुने ही होंगे बोलो, गिलफर्ड के अनुसार, क्लियर। गिलफर्ड ने क्या कहा कि बोलो मैंने कहा व्यवहार द्वारा, बोलो व्यवहार में आया परिवर्तन, क्लियर, व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन, क्लियर, बोलो परिवर्तन क्या है, अधिगम है, क्लियर, बोलो व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है, अधिगम है, ऐसा किसने कहा बोलो, गिलफर्ड ने कहा, किसने कहा बोलो, गिलफर्ड ने कहा, क्लियर। फिर है गर्ट्स, गर्ट्स के अनुसार क्या था बोलो, कि बोलो अधिगम, ठीक है, अधिगम बोलो अनुभव, क्लियर, वे प्रशिक्षण, क्लियर बोलो, आपका द्वारा द्वारा उन्नयन, ठीक है, द्वारा द्वारा व्यवहार, क्लियर, में उन्नयन की प्रक्रिया है, उन्नयन की बोलो प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा बोलो, गेट्स ने कहा, क्लियर। उसके बाद बात करें यहाँ पर नंबर 4, क्लियर, मैंने कहा आपको बोलो यहाँ पर वुडवर्थ, वुडवर्थ के अनुसार, क्लियर, वुडवर्थ ने क्या कहा कि बोलो जो अधिगम होता है वो नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन है, क्लियर, बोलो अधिगम, अधिगम नवीन ज्ञान
वह नवीन बोलो प्रतिक्रियाओं का अर्जन है। क्लियर बोलो क्या है? अर्जन है, ठीक है। उसके बाद नंबर फाइव मैंने लिखा क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्लियर क्रो एंड क्रो के अनुसार बहुत बार इसकी भी पूछी गई है कि बोलो अधिकम। क्लियर अधिकम आदतों बोलो ज्ञान अभिवर्तियों। क्लियर अभिवर्तियों बोलो का अर्जन है, ठीक है। ऐसा किसने कहा बोलो? बोलो किसने कहा? क्रो एंड क्रो। मैं पहले भी बता रहा हूं क्रो एंड क्रो एक पर्सन है, दो पर्सन है, दो पर्सन है। क्लियर बोलो एक है लेस्टर डी क्रो। क्लियर और एक है एलिस वी क्रो। क्लियर बोलो एलिस 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 वी क्रो। क्लियर ये दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका सर नेम क्या था? सैम क्रो एंड क्रो। तो क्या लिखने लग गए? क्रो एंड क्रो। क्लियर बोलो एक है लेस्टर बोलो मैंने कहा डी क्रो एंड एक क्या है बोलो एलिस वी क्रो। क्लियर तो आपको ध्यान रखना है बोलो कहीं भी क्रो एंड क्रो आए तो पहली बार आपको पता होना चाहिए क्रो एंड क्रो दो साइकोलॉजिस्ट थे, दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका पूरा नाम क्या था? लेस्टर डी क्रो एंड एलिस वी क्रो। तो हम बोलो पूरी साइकोलॉजी में क्या लिखते हैं? क्रो एंड क्रो। बात समझ में आए बोलो? उसके बाद मैंने लिखा डेनियल बेल के अनुसार। क्लियर डेनियल बेल के अनुसार ओके। डेनियल बेल क्या कहता है? अधिकम। क्लियर अधिकम व्यक्ति। क्लियर व्यक्ति की शक्तियों। क्लियर व्यक्ति की शक्तियों तथा वातावरण। क्लियर वातावरण बोलो से बोलो अंत्यक्रिया। क्लियर अंत्यक्रिया अंत्यक्रिया मतलब इंटरेक्शन बोलो इंटरेक्शन में सुधार बोलो सुधार का नाम है, ठीक है। ये परिभाषा किसने दी बोलो? डेनियल बेल ने। अब मैंने आपको सारी मैक्सिमम जो अधिगम की परिभाषाएं होती है वो मैंने लिख दी। क्लियर अगर मैं ये लिख दूं आप नोट कर लो तो ये तो किताबों में लिखा है। मैं आपको फिर बता दूं ज्यादातर साइकोलॉजी पढ़ाने वाले यही करते हैं बोलो लिखाते हैं तो ये तो किताबों में लिखा है। अपने को याद करना है मतलब आपको ये मैंने पढ़ाया इससे आने वाला एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आप टिक कर पाओ तो है पढ़ने का मतलब। बोलो बात समझ में? बाकी मैंने आपसे कहा ना चीजें दुनिया भर की किताबों में आपको मैटर दुनिया का मिल जाएगा बट वो अंदर कैसे जाएगा वो मेन है। बात समझ ना? अब देखो मैं वापस आपको क्या बता रहा हूँ समझो। बोलो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर परिभाषाएं सारे टॉपिक में याद करना मेरा एक ही तरीका है कि हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड है। क्या है बोलो? कोड वर्ड है और उसी कोड वर्ड को मैं पूरी साइकोलॉजी में चलाता हूँ ओके। हर एक टॉपिक में अगर वो आएगा उसी कोड वर्ड से याद कराता हूँ। जैसे मैंने कहा स्किनर, स्किनर का मेरा कोड वर्ड है स्किन। स्किन मतलब क्या होता है? त्वचा। क्लियर मतलब मैं पूरी साइकोलॉजी में स्किनर को स्किन यानी त्वचा की नजर से देखता हूँ। क्लियर अब मैंने कहा स्किनर के अनुसार अधिकम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन। कहाँ अंडरलाइन लगाई मैंने? उत्तरोत्तर अनुकूलन। क्लियर तो आप सोचो कि आप सपोर्टेड यहाँ राजस्थान में रहते हो और किसी को बोला तेरे को 5 साल बोलो ले लद्दाख में जाके नौकरी करनी है। कहाँ करनी है बोलो? ले लद्दाख में। क्लियर तो थोड़े दिन तो आप ऐसे ऐसे करोगे नहीं करोगे बोलो? क्लियर ऐसे ऐसे करोगे फिर धीरे धीरे महीना दो महीना 5-6 महीने में आपकी स्किन में क्या हो जाएगा? अनुकूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूलन मतलब उत्तरोत्तर अनुकूलन किस में होगा? त्वचा में। और समझे समझे बोलो ये समझ जाएगी या रोज यही रहना है? और समझे समझे बोलो? क्लियर तो मैं क्या बता रहा हूँ ये उत्तरोत्तर अनुकूलन वर्ड आए तो आपको कौन याद आना चाहिए? त्वचा। कौन याद आना चाहिए? त्वचा। तो स्किनर समझ में आया बोलो? उत्तरोत्तर अनुकूलन किस में होता है और होता कि नहीं होता बोलो? कोई ठंड प्रदेश में रहता है और उसको 2-5 साल गर्मी वाली जगह पर रहना पड़ता है तो थोड़े दिन तो क्या होता बोलो? बहुत प्रॉब्लम आती है उसको। फिर उत्तरोत्तर क्या हो जाता है? अनुकूलन हो जाता है। मतलब समझ में आया? ओके तो मेरे कहने का मतलब है कि स्किनर की परिभाषा अधिगम की कौन सी है तो आपको क्या वर्ड ढूंढना है बोलो? उत्तरोत्तर अनुकूलन। और उत्तरोत्तर अनुकूलन वाली शब्द आ जाए और चार हो गिलफोर्ड गट्स तो मैं जैसा माइंड मेकिंग करूंगा आपका दिमाग वैसा ही चलेगा। क्लियर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? स्किनर।
बात समझ में आए, या तो परिभाषा देखे मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक देखकर परिभाषा। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, ब्यूटी क्या है कि आपको ये परिभाषा देंगे तो आपको मनोवैज्ञानिक चार बोलो जो जिन्होंने परिभाषाएं दी है अधिगम की वही चार देंगे बोलो। पहले ही मैंने कहा धर्मेंद्र सनी देओल ऐसा नहीं देंगे, तो आपको वो चार ऑप्शन में सेटिंग बिठानी। और अगर आपको मैंने बताया अभी याद कराया एक दो बार रिवाइज किया तो अपने आप ही दिमाग चल जाएगा। क्लियर आ जाते हैं। गिलफोर्ड क्लियर के अनुसार व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन। क्लियर। और गिलफोर्ड का मेरा कोड वर्ड है गिलहरी। क्या है बोलो, गिलहरी। मतलब मैं गिलफोर्ड को किस नजर से देखूंगा पूरी साइकोलॉजी में, गिलहरी। गिलहरी देखी आपने बोलो, बड़ी चंचल होती है बोलो, थ्री डायमेंशनली, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। ऐसे नहीं, पहले तो वो बिल्कुल शाणी थी, फिर व्यवहार द्वारा उसके व्यवहार में क्या आया, परिवर्तन आया, और वो क्या हो गई, चंचल हो गई, थ्री डी घूमने लग गई, थ्री डायमेंशनल घूमने लग गई। क्यों, अभी से माहौल बना रहा हूं, आपको पता होना चाहिए आगे जाकर गिलफोर्ड दुनिया में फेमस कैसे हुआ, क्योंकि इसने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। बोलो बात समझ में आए, क्लियर। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया बोलो, कि गिलफोर्ड का मेरा कोड वर्ड क्या है, गिलहरी। और गिलहरी कैसी घूमती है, थ्री डायमेंशनल। और थ्री डायमेंशनल घूमने वाले बोलो ऐसे ही थोड़ी घूमते हैं, व्यवहार से व्यवहार में आया परिवर्तन है। क्लियर। फिर है बोलो गैट्स के अनुसार। क्लियर। क्या बताया मैंने, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण। क्लियर। द्वारा व्यवहार में उन्नयन है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को किसी चीज का अनुभव और प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिल जाती उसमें गट्स आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, बोलो। क्लियर। आपने देखा होगा अक्सर लोग आर्मी में जाते जाते तो ढीले ढाले होते हैं, जैसे ही चार्ज महीने ट्रेनिंग मिल जाती है एकदम एवरीबॉडी क्या हो जाता है, अटेंशन। और वो फिर आपकी तरह झुके झुके नहीं रहते, हमेशा कैसे रहते, अटेंशन। इसका मतलब क्या समझ में आया, कि जब भी हमें किसी चीज की ट्रेनिंग मिल जाती है, जब भी हमें अनुभव हो जाता है, तो हमारे अंदर क्या आ जाते हैं, गट्स आ जाते हैं। गट्स समझते बोलो, और क्या आ जाते बोलो, घट्स आ जाते। तो आप समझ गए कि अधिगम की जिस परिभाषा के अंदर अनुभव और प्रशिक्षण वर्ड मिलेगा, मैं कहाँ जाऊंगा बोलो, गेट्स के अंदर। ओके, तो आपको मैं किस में अंडरलाइन कर रहा हूँ, समझ में आया, जिन वर्डों को देखकर हम टिक करेंगे, बोलो बात समझ में। अगर यह परिभाषा आती है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन की प्रक्रिया है, और आपको चार ऑप्शन होंगे, इन्हीं में से चार ऑप्शन होंगे, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अनुभव और प्रशिक्षण मुझे मतलब क्या टिक करना है। और समझे समझे बोलो, क्लियर। ओके, आ जाते हैं बोलो यहाँ पर वुडवर्थ। मैंने कहा वुडवर्थ का मेरा कोडवर्ड है वुड। वुड मतलब लकड़ी। क्लियर। एक बार जिसको मैंने कोडवर्ड दे दिया, पूरी साइकोलॉजी में वही कोडवर्ड चलाऊंगा, वुडवर्थ। वुड मतलब लकड़ी। क्लियर। और मैंने लिखा नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन। आग इतने बड़े हो गए, आपने देखा होगा कि बोलो आप पुराने टाइम और अभी के टाइम में आप वुड के शोरूम में जाना, बोलो बहुत नवीन चीजें आई है। आप कभी वुड के अभी जैसे सेलेक्ट हो गए, दो चार साल थोड़े पैसे आएंगे, घर वर बनाओगे तो फर्नीचर बनाओगे तो आपको जरूर पता चलेगा जो मैं कहना चाहता हूँ। आप फर्नीचर के शोरूम में जाओगे तो वो कहेंगे देखो हमारे यहाँ बहुत नई नई वुड आई है, ये दीमक फ्री है, ये वाटर प्रूफ है, ये वो है। समझे नहीं समझे बोलो, नवीन चीजें नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाएं का अर्जन किस में है बोलो, वुड में है। बात समझ में, मतलब वुड मतलब लकड़ी। लकड़ी की बहुत सारी वेराइटियां होती है, लकड़ी की वेराइटियां होती है, किसकी वेराइटियां होती है, लकड़ी की। लकड़ी मतलब क्या, वुड। और मैंने क्या कहा आपको, इसका कोड वर्ड क्या है, वुडवर्थ। क्लियर। तो ये नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ये किस में आएगा बोलो, वुडवर्थ में आएगा। क्लियर। फिर मैंने कहा क्रो एंड क्रो, तो क्या लिखा, आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन। जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो इनमें भी अर्जन हुआ, यहाँ भी बहुत सारा अर्जन, आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन। क्लियर। किस में होगा, क्रो एंड क्रोम है। बात समझ, क्रो एंड क्रो मतलब अर्जन मतलब इकट्ठे हुए, और एक से ज्यादा इकट्ठे हुए, एक से ज्यादा इकट्ठे मतलब अधिगम, आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन, आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन, ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। क्लियर। फिर है डेनियल बेल की, ये भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है। मैंने कहा अधिगम व्यक्ति की शक्तियों। क्लियर। और वातावरण, तो व्यक्ति की शक्तियों। आप मुझे बताओ, आपने बचपन में कहानियां सुनी होगी कि वंस अपॉन ए टाइम राजा महाराजा के टाइम में किसी की शक्ति का प्रदर्शन कराना होता, बैल से लड़ाई कराई जाती थी। किससे लड़ाई कराई जाती थी, बैल से। जो बैल को हरा देगा राजकुमारी उसी की। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो।
अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है, डेनियल बेल में आपको क्या दिखना चाहिए, बोलो बेल। और अगर व्यक्ति की शक्तियों का प्रदर्शन कराना है तो लड़ाई किसे करानी पड़ती है, बेल से। तो डेनियल बेल में आपको क्या दिखना चाहिए, व्यक्ति की शक्तियां। बोलो बात समझ में आए, मैंने आपको कैसे परिभाषा बताई समझ में। अब सपोज दैट आपको मैंने परिभाषा बता दी, क्लियर। ओके, अब मैं कर देता हूँ ऐसे, बात समझ ना। अब मैंने आपसे कहा कि एग्जाम में क्या आएगा, वाइस वर्स, या तो डेफिनेशन देकर चार मनोवैज्ञानिक के नाम, या मनोवैज्ञानिक का नाम देके डेफिनेशन, क्लियर। तो आप बोलो, आपको अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्लियर। जैसे मैं आप बोलूंगा परिभाषा, आप बताना किसकी थी, क्लियर। मैंने क्या कहा, हमें यही याद करना, और अगर डेफिनेशनों से प्यार होने लग जाएगा तो साइकोलॉजी में सब अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि बोलो प्रॉब्लम स्टूडेंट को क्या आती है, डेफिनेशंस में आती है, क्लियर। तो मेरे पास हर एक चीज का तोड़ है, क्लियर। तो वो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने नेक्स्ट टॉपिक में और परिभाषा, तो जैसे जैसे मैं परिभाषा सिखाऊंगा आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि यार परिभाषा कैसे ध्यान रखी जाती, क्योंकि कोड वर्ड हम बदलेंगे नहीं, कोड वर्ड हम वही रखेंगे, तो कोड वर्ड भी अपने आप याद हो जाएंगे, क्लियर। मैं बोलूं, बोलो आपको अधिगम आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने दिए, क्रोइन करो, बात समझ में। मैं बोलूं आपको कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन है, स्किनर, और बोलो पता चल रहा है नहीं चल रहा, बोलो क्लियर। मैं बोलूं अधिगम व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन है, गिलफर्ड, बोलो किसकी है, गिलफर्ड की है, क्लियर। बोलो मैं बोलूं कि अधिगम, बोलो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन है, गेट्स, और समझे समझे, बोलो अनुभव और प्रशिक्षण देखने पता चल जाना चाहिए, बोलो किसकी है, क्योंकि जब किसी को अनुभव हो जाता है, जब किसी को प्रशिक्षण मिल जाता है, तो उसमें क्या आ जाते हैं, गट्स आ जाते हैं, बोलो बस रियल में ऐसा होता है, क्लियर। बोलो आपको लगता होगा कि आर्मी वाले इतने, बोलो एकदम तने हुए क्यों रहते, उनको ट्रेनिंग मिली है, बोलो क्या मिली है, ट्रेनिंग, बात समझ रहे, बोलो तो उस ट्रेनिंग के फेज से वो गुजर गए, अब लिए वो हमेशा टेंशन रहते हैं, क्लियर। तो आपको मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। तो इसी तरह से मैंने कहा आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है, बोलो क्रो है, और अधिकम नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का वुडवर्थ, क्लियर, और अधिकम व्यक्ति की शक्ति और वातावरण में अंतःक्रिया में सुधार का नाम है, डेनियल बेल। बोलो बात समझ में आएगी, नहीं रटने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव की तरह से स्टडी होनी चाहिए। अब आप करोगे नोट, क्लियर, ओके।
अंडरलाइन मैंने किस पे की है समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके ओके तो किया ये नोट बोलो आपने? ठीक है ओके तो परिभाषा वाला सेक्शन समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके तो परिभाषा याद हो जाएगी बोलो आपको? नेक्स्ट क्या सिखा रहा हूं आप ध्यान देना, ठीक है? ये मैंने कैसे तरीका बताया समझ में आया बोलो आपको? ओके हर साइकोलॉजिस्ट का कोड वर्ड, और एक बार जिसको कोड वर्ड दे दिया बदलेंगे नहीं। क्लियर? ओके हटा दूं। अब आपको मैं सिखा रहा हूं यहां पर मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट अधिगम, क्लियर, के सोपान। क्लियर? स्टेप्स ऑफ लर्निंग, क्या लिखा रहा बोलो? स्टेप्स ऑफ लर्निंग, बहुत बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये समझने की चीज है, इधर ध्यान दो। अब आप 10-15 मिनट ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है कि 8 स्टेप होती है जो एक ऑर्डर के फॉर्म में हमें याद होनी चाहिए। एग्जाम में फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, उनका ऑर्डर क्या होता है, सब पूछा जाता है। तो इसको क्या हमें कहानी की तरह ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि अधिगम के सोपान, क्लियर, तो सबसे पहला जो सोपान होता है वो होता है आवश्यकता। क्लियर? बोलो आवश्यकता या अभिप्रेरणा, ठीक है? आपको लाइफ में कभी किसी चीज की आवश्यकता होगी तो ही आप आगे बढ़ोगे। बोलो बात समझ में?
सपोज एट किसी के लिए आवश्यकता हुई यार मुझे गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, तो आप उसकी तरफ फिर आगे बढ़ोगे, बोलो क्लियर। और समझे समझे किसी के अंदर मोटिवेशन आया यार मुझे कार चलाना सीखना है, तो मेरी बात समझ में, इसका मतलब पहली स्टेप क्या होगी, आवश्यकता या अभी पहनना। ये मैं या करके क्यों लिखता हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत सी बार आ जाता है कि अभी अधिगम के सोपान का प्रथम सोपान है, तो बहुत सी बार तो आपका आवश्यकता रहता है बोलो, और बाकी जो मैं और बताऊंगा अभी उनमें से रहता है, और कभी आवश्यकता नहीं रहता तो अभी पहनना रहता है, दोनों साथ में कभी भी नहीं होंगे। इसका मतलब आवश्यकता हो तो भी पहला सोपान कर सकते हैं और अभी पहनना हो तो भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर। अगर मैं किसी भी स्टेप सोपान के अंदर या करता हूं, इसका मतलब हुआ कि बोलो अलग अलग एग्जामों के अंदर बोलो कभी उसकी जगह वो वर्ड दिया गया है, बोलो बात समझ में। तो आवश्यकता भी बोलो आपसे मैं करूं पहला सोपान है और अभी पहनना भी पहला सोपान है, क्लियर। ओके सपोज डेट मैंने कहा हम साथ के साथ कार नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम एजुकेशन का एग्जांपल चलाएंगे, क्लियर। बाकी अधिगम एक बोलो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, हर फील्ड के अंदर लर्निंग का काम होता है, बात समझ में। लेकिन हम पढ़ के आ रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, तो मैंने कहा कि सपोज डेट किसी की आवश्यकता हुई या बोलो अभी प्रेरणा चाहे आंतरिक हुई या बाहरी हुई कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, क्लियर। अगर ऐसा होते ही बोलो तुरंत क्या होगा, बोलो उसको कोई उद्देश्य या लक्ष्य बनाना पड़ेगा, क्लियर। गवर्नमेंट नौकरी लेनी है, गवर्नमेंट नौकरी लेनी है ऐसे थोड़ी मिलेगी, उसको कोई टारगेट बनाना पड़ेगा, क्लियर, कि यार मुझे इसकी तैयारी करनी है। और समझे समझे बोलो, तो इसका मतलब हुआ आवश्यकता या अभी प्रेरणा के बाद सेकंड सोपान जो होता है वो उद्देश्य या लक्ष्य, एम या गोल, क्लियर। दोनों में से कोई भी मिल जाए वो सेकंड सोपान होता है, बाकी उद्देश्य छोटे छोटे उद्देश्यों से बड़ा गोल प्राप्त होता है, बात समझ में आए। बोलो बोलो छोटे छोटे उद्देश्यों से क्या मिलता है, लक्ष्य मिलता है, बोलो बात समझ ना। ओके तो मेरे कहने का मतलब उद्देश्य या लक्ष्य, एम या गोल, आप समझ के सेकंड सोपान होता है। अब सपोज दैट किसी ने गोल बना लिया या लक्ष्य बना लिया, मुझे इसकी तैयारी करनी है, क्लियर, तुरंत सोचा नहीं कि बोलो क्या आई नहीं बाधा, क्लियर। बोलो आपसे मैं कहूं एंड तत्परता, क्लियर, तत्परता, क्लियर, तुरंत आएगी बाधा, क्या पढ़ू, कैसे पढ़ू, कहां से पढ़ू, और ये बाधा ही तो है बोलो। और उस बाधा के आने पर बोलो जो तत्पर रहेगा वो आगे बढ़ेगा फटाफट, और बहुत सारा तो बाधा में एक दो महीने निकाल देते। और समझे समझे बोलो, ध्यान से समझना, आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है कि अगर आपको लाइफ में कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या ऑर्डर होता है, बोलो बात समझ। बोलो मैंने क्या कहा, जब आपके अंदर बोलो कुछ पाने की इच्छा जागृत होगी तो आपको कुछ एम बनाने पड़ेंगे, और जैसे ही एम बनाओगे आपके सामने बाधा आएगी कि यार मैं उसके लिए क्या कैसे क्या क्या करूं, और तुरंत आपको क्या रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा, नहीं यार मुझे वहां जाकर उनसे पढ़ना है, क्लियर, ये क्या हो गई, तत्परता, क्लियर। और जैसे ही तत्परता करोगे आपके सामने क्या आएगी, अधिगम स्थितियां आने लगेगी, लर्निंग सिचुएशन आएगी, क्लियर। अधिगम स्थितियां मतलब क्या बोला मैंने आपको, लर्निंग सिचुएशन, क्लियर, लर्निंग सिचुएशन मतलब आप समझ गए हैं बोलो। ओके अगर आप तत्पर रहे नहीं आपके सामने क्या आएगी, लर्निंग सिचुएशन, क्लियर भाई। आप तत्पर रहोगे, आप कुछ डिसाइड करोगे, वहां जाके बोलो वहां पढ़ना, उनसे पढ़ना है, तो आपके सामने अधिगम परिस्थितियां लर्निंग सिचुएशन आने लगेगी, और जब लर्निंग सिचुएशन आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनुक्रिया, इंटरेक्शन, क्लियर, बोलो क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन। लर्निंग सिचुएशन समझ में आ गया कि भाई टीचर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं, बोलो माहौल है, यू ऑल आर लर्निंग सिचुएशन, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन, जो सिखा रहे हैं आपको भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सिखाते समय ध्यान देना पड़ेगा, पूछा जाएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर। तो आप जब इंटरेक्शन करने लग जाओगे तो आपको देवंत क्या होने लगेगा, समायोजन, क्लियर, आपको सब अच्छा अच्छा लगने लगेगा, क्या बोलने लगा, सब अच्छा अच्छा लगने लगेगा, क्लियर। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो आप अगली स्टेप पे जा ही नहीं सकते हो, बोलो मेरी बात समझ में। अगर आप इंटरेक्शन करोगे तो आपका क्या होने लगेगा, बोलो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब सब अच्छा अच्छा लगने लगेगा, क्लियर, और जब सब अच्छा अच्छा होने लगेगा, समायोजन होगा, तो आपके व्यवहार में क्या आने लगेगा, परिवर्तन, क्या होगा बोलो, व्यवहार में परिवर्तन,
और व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। और अगर उसका क्या हो गया, स्थायीकरण हो गया, बोलो जो किससे होता है, बोलो अभ्यास से, तो आपको अधिगम हो जाएगा। बोलो बात समझ में, क्या बताया मैंने समझ में आया, बोलो। इन ऑर्डर को, इनको आपको कभी ट्रिक से याद नहीं करना, आपको एक एग्जाम्पल को लेके, अपने आप को लेकर के इसको सोचना, आपको स्टेप कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बताया मैंने समझ में आया, ये 8 स्टेप होती है बोलो लर्निंग करने के लिए। इसलिए मैंने आपको जब पहले ही बोला था कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा तो अधिगम। बात समझ में, बहुत सारे क्या होते हैं, जब ये स्टेप्स है तो बोलो ये पूरा यहाँ पहुंचेगा तो वो कुछ ही सीख पाएगा, तो बहुत सारे तो इसमें ही रुक जाते हैं, बहुत सारे इसमें खो जाते, मतलब आप समझ गए, आपको कुछ भी सीखने के लिए ये दौर से गुजरना ही पड़ेगा, तो ही वो चीज परमानेंटली आपके पास पहुंचेगी। बोलो आपको क्या बताया समझ में आया, पहले स्टेप क्या है, बोलो आवश्यकता या अभिप्रेरणा। क्लियर? और अब समझ गए आवश्यकता या अभिप्रेरणा। बोलो आवश्यकता मतलब नीड जनरेट होना, अभिप्रेरणा मतलब इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल मतलब आपको खुद को लगा कि नहीं यार मुझे टीचर बनना है, एक्सटर्नल मतलब आपको किसी को देख के लगा कि यार मुझे टीचर बनना है। बोलो बात समझ में, मोटिवेशन ऑलवेज टू टाइप इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, पूरा अपना टॉपिक है जिसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा जब ये जनरेट होगा तो तुरंत आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कोई लक्ष्य या कोई एम या कोई गोल बनाना पड़ेगा। क्लियर? और जैसे बनाओगे तुरंत क्या आएगी, बाधा, सबको आती है। बोलो बात समझ में, जब आप लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ अपना गोल बना लिया है, तो एक बोलो कुछ समय के लिए आपके सामने क्या आती है, बाधा, क्या पढ़े, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, किससे पढ़े, ये आपका बाधा होती है। और उस समय आपको क्या रहना पड़ता है, तत्पर, मतलब एक्टिवली। मेरी बात समझ में, बहुत सारे आते हैं सर 4 जगह पहले डेमो लेके आया, 2-1 दिन आपके भी ले लेता हूँ, फिर 2-4 जगह और फिर मैं सोचूंगा। बोलो कर दिया 1 महीना खराब, और समझे बोलो। क्लियर? ये क्या है, बोलो बाधा ही है। बोलो बात समझ में, और बोलो उसको तत्पर होने में 1 महीना, तब तक दूसरा क्या निकल गया, आगे। और समझे बोलो। क्लियर? बाधा का मतलब समझ के बोलो, आपको क्या पढ़े, कहाँ पढ़े, किससे पढ़े, ये सब चीजें क्या है, बाधा है। और ये कब होगा, बोलो जब आपको उद्देश्य अलग से बनाओगे। क्लियर? बात समझ, उस समय क्या रहना पड़ता है, तत्पर। तत्पर रहोगे तो ही अगली स्टेप आएगी, जिसका नाम क्या है, लर्निंग सिचुएशन। क्लियर? आप तत्पर होगे तो आपको अपने आप अधिकम स्थितियां मिलने लगेगी, और अधिकम स्थितियां मिलेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। इंटरेक्शन करोगे तो आपका क्या होने लगेगा, समायोजन, और समायोजन होगा तो आपके अंदर क्या आने लगेगा, व्यवहार में परिवर्तन। आपको सब्जेक्ट की सोच बदलने लगेगी, आपको चीजें याद होने लगेगी, और अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो क्या हो जाएगा, स्थायीकरण। और स्थायीकरण हो गया मतलब आपको क्या हो गया, अधिगम हो गया। इसीलिए अधिगम को व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। बोलो बात समझ में, तो यहां से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट करोगे। बैरियर, क्लियर, अटेंशन, ठीक है। बाधा का मतलब क्या होता है, बैरियर। तत्परता मतलब अटेंशन। क्लियर? लर्निंग सिचुएशन, बोलो चेंज इन बिहेवियर, और बोलो स्टेबिलिटी, ठीक है।
मेरी बात समझ में आई बोलो आपको कि स्टेप्स ऑफ लर्निंग के अंदर ये 8 स्टेप होती है जिसका ऑर्डर फिक्स है। एग्जाम में पूछने का तरीका बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि अभी प्रेरणा का प्रथम सोपान क्या होता है, क्लियर, अंतिम सोपान क्या होता है, कभी इनमें से 4 दे देते और अधिगम के सोपानों का सही क्रम क्या होगा, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आवश्यकता दे या अभिप्रेरणा दे पहला सोपान होता है, उद्देश्य दे या लक्ष्य दे पहला सोपान होता है, बाधा तत्परता क्या होता है तीसरा सोपान होता है, अधिगम स्थितियां क्या होती है चौथा सोपान होता है, अनुक्रिया इंटरेक्शन या आपको इसकी जगह पुनर्बलन दे दे तो भी चलेगा, रेनफोर्समेंट, क्लियर, रेनफोर्स मेंट, क्लियर। जब आपकी लर्निंग सिचुएशन आती है तो आपको आगे जाकर आपको क्या मिलती है, बोलो, इंटरेक्शन करने पर रेनफोर्समेंट, क्लियर, रेनफोर्समेंट मतलब समझते हो पुनर्बलन, क्लियर। उसके बाद अरे बोलो रेनफोर्समेंट समझते हो नहीं समझते हो, बोलो क्लियर, आपने इंटरेक्शन किया और आपने जवाब दिया और सर ने कहा शाबाश, बोलो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, क्लियर, बोलो बात समझ में, आपने बोलो बिल्कुल छोटी चीज बोलो 1+1 2, अरे क्या कर रहा है इतना ही पता नहीं चलता तेरे को, बोलो डांट दिया, बोलो नेगेटिव, और समझे समझे बोलो क्लियर। और जब मैंने कहा ऐसा होगा तो क्या होगा, समायोजन, अगर समायोजन नहीं मिले तो संगठन ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हो, क्लियर, बोलो ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपको दे दे संगठन पुनर्बलन, बोलो बाधा और आवश्यकता और लक्ष्य बताओ अधिगम का सही क्रम क्या होगा, तो आप समझ के बोलो कहाँ किसको एडजस्ट करना है, अगर समायोजन नहीं हो तो क्या कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, एक ही मतलब होता है, क्लियर, कि डेफिनेटली जब आप इंटरेक्शन करोगे तो आपके अंदर क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन आएगा, बोलो संगठन आएगा, एडजस्टमेंट, क्लियर, और फिर आपके अंदर क्या होगा व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन जब स्थायीकरण हो जाएगा, और स्थायीकरण किसके द्वारा होता है अभ्यास के द्वारा, अगर बिना अभ्यास के कभी स्थायीकरण हो ही नहीं सकता, आप इस पूरी प्रॉब्लम को इस स्टेप को आप कितने एग्जांपल से समझ सकते हो, सपोज दैट किसी को आवश्यकता हुई मुझे तो यार बाइक चलाना सीखना है, क्या सीखना है बाइक चलाना सीखना है, बोलो क्लियर, एम बनाया कि भाई मुझे तो अब बाइक चलानी है, क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सोच लिया यार पहले तो मैं ना बोलो एक्टिवा से सीखूंगा, ये आपका एम हो गया, और समझे समझे बोलो क्लियर, एम मतलब समझते बोलो क्लियर, फिर आपके सामने लर्निंग बोलो बात आई यार कौन सिखाएगा मैं बैठू कौन पकड़ेगा, और समझे समझे बोलो क्लियर, ऐसा आपने ढूंढ ढूंढा के तत्पर हो गए, क्लियर, तो धीरे धीरे क्या आएगी आपके सामने लर्निंग सिचुएशन आएगी, क्लियर, कि आप थोड़ा थोड़ा चला पाओगे, और आपको फिर इंटरेक्शन बोलो आप समझ के बोलो इंटरेक्शन मतलब समझ के रोज आप सुबह उठ उठ के थोड़ा चला, और कोई भी करने चाहे स्विमिंग हो चाहे आपका बाइक चला कार, आपको ये स्टेप से गुजरना ही पड़ता है, और फिर थोड़े दिनों में क्या आने लगता है एडजस्टमेंट, क्लियर, आपको लगता है यार मैं तो अब चला लूंगा, क्लियर, आपके व्यवहार में भी क्या आ जाता है परिवर्तन, 4-6 महीने 1 साल चला लिया एकदम परमानेंट निश्चयकरण हो गया, फिर बोलो क्या होगा आप भले 5 साल भी बाइक में चलाओ आप 5 साल बाद भी चला पाओगे, क्लियर, क्योंकि आपका क्या हो गया था उसका स्थायीकरण हो गया था, बोलो बात समझ में, और स्थायीकरण हुआ ही नहीं, व्यवहार में परिवर्तन हुआ ही नहीं, समायोजन हुआ ही नहीं, बोलो आपने थोड़ा इंटरेक्शन किया, आपने कहा चल अब मैं तेरे को घुमा कर लाता हूँ, क्या होगा बोलो, और समझे खुद भी गिरोगे दूसरे घुटने भी तोड़ोगे, और समझे समझे बोलो जब इस पूरे दौर से गुजर जाओगे तो आपको क्या होगा आप कह सकते हो कि ये चीज मुझे आती है, और समझे समझे बोलो क्लियर, तो आई थिंक मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सबसे बड़ा रोल स्थायीकरण में किसका है बोलो अभ्यास का है, क्लियर, बोलो अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है जिससे कि आपको चीजें स्थायी होगी, क्लियर, तो आई थिंक इसमें कहीं रटने की जरूरत नहीं है, ओके, आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ वो क्या है बोलो अधिगम के प्रकार, क्लियर, बोलो 3 प्रकार होते हैं, बोलो मैंने कहा 1 बोलो मानसिक अधिगम, क्लियर, मानसिक बोलो अधिगम या इसी को बोलते हैं मौखिक अधिगम, क्लियर, वर्बल लर्निंग, क्लियर, बोलो क्या बोलते हैं बोलो वर्बल लर्निंग, क्लियर, ओके, या बोलो मानसिक अधिगम, दूसरा होता है समस्या समाधान 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 अधिगम, क्लियर, बोलो प्रॉब्लम सॉल्विंग
लर्निंग। क्लियर? क्या लिख रहा हूं बोलो? प्रॉब्लम, बोलो सॉल्विंग लर्निंग। क्लियर? और एक होता है बोलो गतिक लर्निंग, मोटर लर्निंग। क्लियर? एक क्या होता है बोलो? गतिक, गतिक बोलो अधिगम। क्लियर? गतिक अधिगम का मतलब होता है बोलो मोटर लर्निंग। क्लियर? बोलो मोटर लर्निंग। ओके, तो ये मैंने आपको तीन टाइप बताया। आपको तीन नाम कैसे ध्यान रख सकते हो? बोलो, मैंने लिखा एम एस जी। क्लियर? एम एस जी का मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है। एम एस जी का मतलब, एम का मतलब मानसिक, एस का मतलब समस्या समाधान, और जी का मतलब गतिक। ओके, अब मैंने कहा मौखिक या वर्बल लर्निंग, ये जनरली जो छोटी कक्षाएं होती उनमें ज्यादा यूज आता है। बोलो खरगोश दिखा के, बोलो खस खपर खोश, और समझे समझे बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? एप्पल दिखा के, ए से एप्पल, ये क्या है बोलो? मौखिक या मानसिक लर्निंग। क्लियर? बोलो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कॉलेज लाइफ में ज्यादा होती है, प्रॉब्लम आती है सॉल्व करना सीखते हो। बोलो और गतिक लर्निंग समझ के, जिसके अंदर हमारा मांसपेशियां काम आती, डांस सीखना, तबला बजाना सीखना, स्विमिंग सीखना, और सब के सब क्या आएगा बोलो? गतिक लर्निंग, जिसमें हमारे शरीर की क्या काम आती है? मांसपेशियां। क्लियर? तो आप समझ के बोलो क्या बताना चाह रहा हूं? तो मानसिक अधिगम में मौखिक अधिगम मैंने कहा यह है छोटी कक्षाओं। क्लियर? बोलो में, ठीक है, अधिक, बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके, अधिक 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 बोलो यूज, और होता है कि नहीं होता बोलो? छोटी कक्षाओं में क्या है? मानसिक या मौखिक अधिगम, बोलो बच्चे को रटाया जाता है और बुलवाया जाता है। क्लियर? अब तो खैर कम हो गया, पहले पुराने जमाने में तो बच्चों को बिठा कर एक तरताल के बुलाया जाता था। और समझे समझे बोलो? क्लियर? ओके, तो आप समझ गए बोलो? खरगोश को देखकर बोलो आपको मैंने कहा क्या बुलाना? बोलो ख। क्लियर? कबूतर को देखकर का एप, और येलो एप्पल को देखकर ए, और समझे समझे बोलो? क्लियर? तो ये कैसा है? मॉकिंग लर्निंग। ये क्या बनाया? एप्पल, ठीक है, समझ के बोलो। ये मैंने कहा कॉलेज, बोलो कॉलेज, आपसे मैं कह रहा हूँ कॉलेज की कक्षाओं में, ठीक है, कक्षाओं में प्रॉब्लम से सॉल्विंग करना, समझ में आ रहा बोलो? ओके, फिर मैंने कहा इसमें शरीर की मांसपेशियां, मसल्स बोलो यूज। क्लियर? तो आप समझ गए, डांस ले लो, तबला बजाना ले लो। अब कोई कह, सर तबला भी कोई बजाता है? अरे आपसे मेरे को तबला बजाना भी एक आर्ट है, कला है जो सीखनी पड़ती है, और समझे समझे बोलो? क्लियर? ओके, तबला मन से बजाता है कि मांसपेशियां लगानी पड़ती है? मांसपेशियां। क्लियर? डांस समझ गए, तबला बोलो, तैरना बोलो, आपको मैंने कहा एटसेट्रा कुछ भी ले लो, ये सब कैसा अधिगम है बोलो? गतिक अधिगम है, शॉर्ट में लिखा, समझ गए बोलो आपको? ओके, बात समझ में आए बोलो? ठीक है, लर्निंग में हम कितनी बातें सीख चुके हैं, मीनिंग सीख चुके हैं, विशेषताएं सीख चुके हैं, डेफिनेशन सीख चुके हैं, स्टेप सीख चुके हैं, और टाइप सीख चुके हैं। क्लियर? बोलो वन बाय वन मैं आपको सिखाऊंगा, और आपको बोलो सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। क्लियर? ओके, मेरी बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ओके,